प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को आता ना हो, आप लोगों को अच्छे से आता भी होगा, ठीक है। बस हमें करना क्या है कि थोड़ा सा रिवाइज करना है कि हमसे क्या, कौन सा रूल छूट रहा है, कौन सा हमें आ रहा है, इसको हमें देखना है अच्छे से, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है, पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में क्या आता है, वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में, कहाँ, क्रिया के अंत में, ध्यान देना, अंत में ता है, ती है और ते है, ताहूं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द आ जाते हैं, मतलब इतने शब्द आ जाएं तो समझ लीजिएगा वहां पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अच्छा, इसकी एक परिभाषा और लिखी रहती है, क्या होती है वो, कि वाक्य में काम का करना या होना कैसे पाया जाता है, अपूर्ण पाया जाता है, मतलब इंडेफिनेट का मतलब अपूर्ण होता है, इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अपूर्ण। तो इसलिए एक परिभाषा और बन जाएगी कि वर्तमान काल में, वर्तमान काल मतलब होता है समय, वर्तमान काल में काम का होना या करना अपूर्ण पाया जाता है, ठीक है। जी परिभाषा जिसने समझ ली, समझ लो उससे सब बन गया, कि वर्तमान काल में काम का होना या करना अपूर्ण पाया जाता है। वर्तमान काल में जैसे कोई काम आप लोग करते हो तो काम आपको देखने में मिलेगा कि ये अपूर्ण है, ठीक है, कैसे मिलेगा, अपूर्ण है। जैसे मान लो कि वह रोटी खाता है, वह रोटी खाता है, तो वह रोटी खाता है, देखो वह रोटी खाता है, समझना मेरी बात को, अब वह रोटी खा रहा है, ठीक है, वह रोटी खा चुका है, तो अब बताइए काम कहां पर खत्म हो गया है, कौन से वाक्य में काम खत्म हुआ, खा चुका, इसमें काम खत्म हो गया। जो काम खत्म हो जाए उसको कहते हैं परफेक्ट, क्या कहते हैं, परफेक्ट। काम खत्म मतलब परफेक्ट, पूर्ण का परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा काम होना, काम खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया। अब वह रोटी खा रहा है, तो ये क्या काम क्या है, जारी है, खा रहा, अभी खा रहा है, तो इसमें जारी है। अब देखो वह रोटी खाता है, तो इसमें अभी रोटी खाए तो पूरी तो नहीं खाई उसने, मतलब लेकिन अपूर्ण है, काम हो रहा है लेकिन कैसे अपूर्ण है, समझ में आया, अपूर्ण कैसे होता है, ठीक है। अपूर्ण का मतलब यही होता है कि जो काम पूर्ण ना हो, दिखाई ना दे, यहां बैठ जाओ सामने, इतने आगे से ना बैठा करो जहां से दिखाई ना दे, ठीक है, अच्छे से बैठो, समझ में आया जी। अच्छा देखो कई चीज ऐसी होती है, जैसे मान लो कि मैं देख रहा हूं, अब देखो यहां पर क्या है, वाक्य अंत में ना ता है, ती है, ती है, ता हूं, कुछ नहीं आया है, लेकिन ये काम अपूर्ण है। अब इसी चीज को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि सही, यहाँ पर देखो रहा है कंटिन्यूअस की पहचान दे रहा है, पहचान कंटिन्यूअस की आ रही है और काम अपूर्ण हो रहा है। भाई अगर जब तक हम काम को सही से नहीं पहचान पाएंगे, जब तक हम सही से वाक्य नहीं बना सकते हैं, कोई स्टोरी नहीं बना सकते हैं, मैं देख रहा हूं, अगर आपने बनाया कि आई एम सीइंग, तो जी गलत हो गया, जी क्या हो गया, गलत। तो मैं देख रहा हूं आई सी, ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, आई सी, ठीक है, और सीइंग क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो काम करते हैं तो वहां हम अधिकांशतः देखते हैं कि भैया हम देखने का काम लगातार नहीं कर पाते हैं, कि कर लेते हैं, आगे कोई दिक्कत किसी को,
ये पहचान हो गई। अब देखिएगा वाक्य की क्रिया के अंत में आना चाहिए, क्रिया के अंत में ता है ती है ती है, कहाँ आना चाहिए? क्रिया के अंत में, ठीक है, वाक्य के अंत में नहीं। अगर वाक्य के अंत में आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वाक्य के अंत में आता है ता है ती है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, इतना याद रखना बारीकी को बिल्कुल। कैसे? यहां हमने नोट लगाया, नोट, नोट क्या है? नोट है यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द आते हैं और वाक्य में, ठीक है, और वाक्य में क्रिया ना हो, क्या ना हो? क्रिया ना हो तो लिंकिंग वर्ब, कौन सी वर्ब? लिंकिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द आते हैं, कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में। यहाँ भी देखो, यहाँ वाक्य की क्रिया के अंत में है, वाक्य की क्रिया के अंत में, यहाँ है वाक्य के अंत में। तो यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं आदि शब्द आते हैं और वाक्य में क्रिया ना हो तो लिंकिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का प्रयोग कर देते। इज एम आर को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पढ़ा इज एम आर को, है ना, पढ़ा। अब देखो जैसे मान लीजिएगा वाक्य आता है कि मेरा नाम सीता है, मेरा नाम सीता है, समझना बेटा, बच्चे यहां पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। वाक्य के अंत में क्या आया? ता है। अब बच्चा कहता है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों? बोले वाक्य के अंत में आया है, वाक्य के अंत में नहीं आता है, वाक्य की क्रिया। तो क्रिया है क्या? सीता क्रिया है क्या? सीता नाम है, क्या है? सीता नाम है। तो यहां पर बनना चाहिए कि मेरा नाम, मेरा नाम मतलब माई नेम, माई नेम इज सीता, मेरा नाम सीता है, माई नेम इज सीता। कोई दिक्कत किसी को? ता है आया है लेकिन, तो ये थोड़ी होता है, ठीक है। इसे एक बात को देख लो, ठीक है, जैसे आतंकवादी, आतंकवादी किसी भी समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, आतंकवादी किसी भी समाज के लिए अच्छे नहीं होते। वाक्य के अंत में क्या आया? ते है। तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं है। ये किससे बनेगा? इज एम आर से। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया तो है ही नहीं है, क्या है? क्रिया नहीं है भाई। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट निकालेंगे, सब्जेक्ट निकालते हैं कौन लगा के, प्रश्न पूछते हैं कौन लगा के, क्या लगा के? कौन। फोन नहीं लगाना है, क्या लगाना है? कौन। कौन अच्छे नहीं होते हैं? उत्तर मिला आतंकवादी। आतंकवादी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेररिस्ट, टेररिस्ट, ठीक है। अब ज्यादा है, अब देखो वाक्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सीधे हम पीछे जाएंगे, पीछे से आगे बढ़ते आएंगे। होते हैं, होते हैं मतलब आर, ज्यादा है ना आतंकवादी। और नहीं के आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? नहीं, नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर आगे बढ़े अच्छे की अंग्रेजी गुड, फिर आगे बढ़े के लिए फोर, फिर किसी भी समाज, फॉर एनी समाज, सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स टेररिस्ट आर नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी, आतंकवादी किसी भी समाज के लिए अच्छे नहीं हो। देखो ऐसा लिखते रहे आप लोग, फिर बाद में ये ना कहें कि सर जी रुक जाओ मैंने नहीं लिख पाया है, थोड़ी आप साफ नहीं करना बोर्ड को, बोर्ड भर जाएगा, हम साफ कर देंगे, याद रखना। तो लिखते भी रहें, समझते भी रहें,
ठीक है, इतने माइंडली आप लोग बिल्कुल अच्छे समझें, ठीक है। अब एक काम, दोनों काम एक साथ करना शुरू करें। कई बच्चे लिख नहीं रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि लिखते रहें। अब देखिएगा, जैसे हमने देखा कि चेहरा हृदय का दर्पण होता है, चेहरा हृदय का दर्पण होता है, ठीक है। वाक्य के अंत में क्या आया? ता है। तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं। क्यों नहीं है? वेरी गुड, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं, जिसमें क्रिया नहीं है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ही नहीं सकता है। तो चेहरा यानी कि चेहरा क्या होता है? फेस, और होता है एज, फेस एज। आगे बढ़ेंगे दर्पण, दर्पण जानते हो? सुबह से तुम लोग दर्पण देख के आ, तो मिरर, आईना, क्या मिरर, वो का की अंग्रेजी ऑफ, वो हृदय की अंग्रेजी हार्ट, क्या बना? फेस इज मिरर ऑफ हार्ट, चेहरा हृदय का दर्पण होता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसका जो साधारण होता है, अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा साधारण, क्या लिखेंगे? साधारण। अब यहां से आप लोगों का इंडेफिनेट शुरू होगा, यानी अफर्मेटिव यहां से शुरू हो रहा है, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में हम क्या लिखेंगे? देखो अफर्मेटिव में एक नोट लिख लें, नोट क्या है देखिएगा। अथोड़ी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस लगा देते, यही पढ़ा ना? मैंने भी यही पढ़ा है, जब मैं पढ़ता था तो मैंने भी यही पढ़ा है कि एक वचन, अब ध्यान से सुनना, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में एस या ईएस लगा देते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में एस और ईएस नहीं लग। तो देखो समझो यहां पर एक बात को, क्या एस या ई एस ही लगाया जाता है? बस कल मैंने एक वाक्य बोला था कि वह पतंग उड़ाता है, तो पतंग उड़ाना उसमें फ्लाई में क्या लगा था? आई ई एस, ए भी लगता है, और जब ये लगेगा तो वी एस भी लगेगा, लगेगा मतलब जो प्लूरल बनाने का नियम होता है वही लगता है। ऐसो ऐसो देखो, छोटे बच्चों को समझाने वाली चीजें हैं, जो तीन चार पाँच छः में पढ़ते हैं उनको बता दिया कि बेटा देखो ऐसो ईएस लगा देना है, क्या लगा देना है? एस और ई एस लगा देना है, बस, ठीक है। छोटे बच्चों को यही बता दिया जाता है ना, जैसे आप लोगों ने बचपन में एक किताब पढ़ी होगी कि जी फोर जेंटलमैन, जी फोर जेंटलमैन पढ़ी होगी आप लोगों ने किताब में, जी फोर जेंटलमैन, तो उसमें बगल में एक फोटो बनी रहती है, जेंटलमैन बाकायदा कोट पहने होगा, टाई लगी होगी, तो आपके माइंड में कैसी एक आकृति बन गई कि जेंटलमैन टाई लगाता है, जेंटलमैन कोट पहनता है, ऐसी आकृति बन जाती है ना। तो क्या मतलब, आपके पापा जेंटलमैन नहीं है क्या? है, ये तुम्हें समझना है, क्योंकि बचपन की चीजें आपने जब देखी वो बात और थी, ये बात और है। हमारे दादाजी जैसे मान लो धोती कुर्ता पहनते हैं तो क्या वो जेंटलमैन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे जेंटलमैन, होंगे जेंटलमैन कि नहीं होंगे? तो हमें ये सोचना है कि जेंटलमैन है कौन, क्या कोट पहनने वाला ही जेंटलमैन होगा, टाई लगाने वाला ही जेंटलमैन होगा? तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि जेंटलमैन है कौन, ठीक है। तो यही अब हमें ये चीजें त्यागनी पड़ेंगी कि एस ई एस लगाना है कि आई एस लगाना है कि वी एस लगाना है, समझ में आ रहा है नहीं? अब आप लोग देखो एक हाई लेवल की क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी छोटी छोटी चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी, ये आप लोग पढ़ चुके हो, जो तुम्हें आ रहा है। अब करेंगे क्या, सुन लो, नोट लगाया हमने, हमने लिखा यहां पर सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता जानते हो कौन कौन होता है? बोलो, ही सी इट या
नेम वगैरह किसी का नाम है, ठीक है। तो एक वचनकर्ता के साथ क्रिया जो वर्ब होती है, क्रिया बहुवचन की यानी कि प्लुरल बहुवचन बनाते हैं, सॉरी एक वचन के साथ क्रिया एक वचन में, एक वचन में लिखते हैं। कर्ता देखो, अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया कैसे लिखेंगे, एक वचन में, इसको याद रखेंगे आप। अगर कर्ता एक, देखो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया एक वचन में लिखेंगे, और दूसरा देखो बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता जानते हो आई वी यू दे, ठीक है, के साथ क्रिया कैसी लिखेंगे, बहुवचन की, बहुवचन में लिखते हैं। अब देखिएगा इसको समझने कि क्रिया भी एक वचन और बहुवचन में होती है, बिल्कुल होती है। जैसे आप लोगों ने नाउन पढ़ा होगा, समझना भी यहां से, आप लोगों ने नाउन पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा मैंगो, क्या पढ़ा, मैंगो नाउन है। अब मैंगो को बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगो, जी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंगोज ऐसी पढ़ा, तो जी मैंगो क्या है, एक वचन, एक वचन है जी, और ये क्या है, बहुवचन, ऐसी है ना। अब वर्ब में जस्ट उल्टा हो जाता है, वर्ब में क्या होता है, उल्टा। अब गो जैसे हम लिख दें गो, तो गो क्या है, बहुवचन, उल्टा होता है वर्ब में, सीधे उल्टा, ठीक है। और एक वचन क्या है गो का, गोज। वर्ब बर हमेशा बहुवचन में होती है, वर्ब काय में होती है, बहुवचन में। जो आप जैसे रीड है, तो रीड क्या है, बहुवचन है, रीड क्या है, बहुवचन। अच्छा क्रियाओं की फॉर्म कितनी होती है जानते हो, क्रियाएं कितनी अवस्था में होती हैं, क्रियाएं पांच अवस्था में होती हैं, कितनी अवस्था में होती हैं, पांच में। आप लोगों ने तीन में पढ़ा है, कितने पढ़ा है, तीन में पढ़ा है। लेकिन मैंने क्या बताया है आपको कि थोड़ी आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा अगर तुम्हें ज्यादा कुछ सीखना है तो। अब देखो, अब आप कहोगे सर जी मैंने तीन सीखा है, अच्छी बात है सीखा है, बट पांच होती है फॉर्म, कितनी होती है, पांच में बता रहा हूं कौन कौन सी। देखिएगा पहली जिसको तुम बोलते हैं बहुवचन फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हो बहुवचन, फिर सेकेंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, फिर आई एन जी फॉर्म। फॉर्म मीन्स होता अवस्था, रूप। क्रिया के कितने रूप होते हैं, पांच। क्रिया के कितने रूप होते हैं, पांच, ठीक है। अब इसके बाद कितने होगा, एक दो तीन चार, ये बहुवचन है फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद एक वचन, एस आई एस वाली फॉर्म, एक वचन वाली फॉर्म। अच्छा जी तुमने का नाम करके कई किताबों में, ऐसी कई किताबें अब तो मार्केट में आती हैं, उसमें भी देख सकते हो कि क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे जैसे आई एन जी, जैसे मान लीजिए हमने लिखा गो, गो की सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म गो गॉन, और आई एन जी फॉर्म गोइंग, और इसका एक वचन गोज। एक दो तीन चार पांच, तो आया समझ में, क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पांच। कोई किसी के माइंड में क्वेश्चन हो तो बताएं, अभी मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो क्रियाएं की अवस्था होती हैं पांच, तो याद रखिएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी जैसे आपने संज्ञा पढ़ा, नाउन पढ़ा, तो नाउन में एस या ईएस लगा देने से नाउन क्या हो जाता है, बहुवचन। और अगर क्रिया में एस या ईएस लगा दोगे तो क्रिया हो जाएगी एक वचन, उल्टा होता है जस्ट। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखेंगे आगे, देखो अब ऐसा है कि तुम लोगों को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। अब वही पढ़ोगे कि एस आई एस लगाने वाला सिस्टम, ठीक है। तो कब तक लगाओगे, एक वचन कर्ता के साथ क्रिया एक वचन की, और बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन की, बस सीधी सी बात है। एक वचन के साथ एक वचन, और बहुवचन के साथ बहुवचन, ठीक है। और बातें होंगी तो फिर प्रवचन, बातें होंगी तो प्रवचन, मतलब फिर प्रवचन शुरू
समझो, आया समझ में? वेरी गुड। देखो बेटा, अब हम जैसे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा कर्ता, यानी कि इसे बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही फॉर्मूला है। बाकी तो देखो सब ऐसा है कि लगा रहता है, जीवन है। मैं चीजें चाहिए तीन, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, बस यहीं से सब कुछ होता है। बाकी तो ऐसा है कि संसार सागर है, मोह माया है, सब लगा रहता है। अब हमने देखा जैसे कर्ता वाक्य, छोटा सा वाक्य बिल्कुल आप लोगों के लिए, छोटा सा वाक्य है जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है, छोटा सा वाक्य बिल्कुल समझाने के लिए, मैं किताब पढ़ता हूं। अब देखो कभी कई बच्चा सोचते हैं सर जी हमसे वाक्य बनाने में तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, हम वाक्य बनाते हैं तो थोड़ी समस्या। देखो बरहमेश पहले आप इसको एक नंबर मान लें, क्या मान लें? एक नंबर। इसके बाद इसको माने दो नंबर, इसको आगे बढ़ती है इसको माने तीन नंबर, और होता तो उसको चार नंबर, और होता तो उसको पांच नंबर। नंबर मानते हैं कि जी पहले नंबर पर लिख, पहले आगे फिर पीछे से आगे, कोई भी सेंटेंस हो कभी गलत होता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे बनाया मैं किताब पढ़ता हूं, मैं क्या है? आई, आई पढ़ता हूं, रीड, भाई आई रीड। आगे बढ़े किताब द बुक, कुछ बच्चे सोचेंगे कि द कहां से आया, तो कुछ कहते हैं कि मजा आ जाता है द लगाने में, ऐसा ही है ना, कुछ कहते हैं मजा आ जाता है, कोई कहता है थोड़ी जम जाता है बात, द लगा दो थोड़ी लगत लगत के, हाँ वाक्य बना है, तो कुछ बच्चे परेशान रहते हैं, होता है ना यही। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों के साथ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि दा लगाएं कि ना लगाएं, किसी के साथ नहीं होता है? होता है, किसके साथ होता है? हाँ दुबई करें, अच्छा हो जाता है ऐसा। देखिए सुने, क्या होता है कि कोई भी नाउन हो, कोई भी नाउन हो, हर देखो हर चीज नाउन है, हर चीज क्या है? नाउन है। तो नाउन के आगे तो दा लग, ई एन दा लगता ही है, तुम दा ना लगाओ ये लगा दो, ही रीड अ बुक। आर्टिकल किसी भी नाउन के साथ लगता है, याद रखिएगा, कोई भी हो उसके साथ लगना ही लगना है, ठीक है, समझ में? इसको मैं अलग से बताऊंगा अभी, ठीक है, जब नाउन पढ़ाऊंगा तो उसको विस्तार से बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो हम चाहे ई लगा दें और चाहे दा लगा दें, ई एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि किताब है, तो आई रीड द बुक, समझ में आया। अब इसके और एग्जाम्पल देखेंगे, जल्दी फटाफट नोट करें। अच्छे लड़के अपने अध्यापकों का कहना मानते हैं, अच्छे लड़के अपने अध्यापकों का कहना मानते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हो मीनिंग डिस्टर्ब कर सकती है, और मीनिंग तो धीरे धीरे याद हो जाती है। अब हम देखेंगे पहले नंबर पर हम किसको लिख लें, कौन कहना मानता है, उत्तर मिलेगा अच्छे लड़के। तो अच्छे क्या होता है? गुड, और लड़के बॉयज, गुड बॉयज, अच्छे लड़के, ठीक है। अब पीछे पहुंचेंगे कहना मानना, कहना मानना क्या होता है? ओबे, कहना मानना क्या होता है? ओबे, ओबे यानी कि ओ बी ई वाई, गुड बॉयज ओबे, गुड बॉयज ओबे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या अपने अध्यापकों का, अपने, तो देखो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? देयर, देयर और अध्यापक यानी कि टीचर्स। अच्छा ईमानदारी से बताएं, देखो अपने की अंग्रेजी हर बार बदलेगी कि पजेसिव केस होता है, जैसे करता ही है, क्या है? ही, तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाती? हेच, अगर सी है तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाती? हर किसी को नोट करना हो तो नोट भी कर सकता है वो, सी अगर करता या सी होता तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाती? हर, ठीक है। अगर करता आई है तो अपने की अंग्रेजी हो जाएगी माई, अगर यू है तो अपने की अंग्रेजी हो जाएगी योर, ठीक है।
और बी है तो अपने की अंग्रेजी अवर, ठीक है, और अगर दी है तो अपने की अंग्रेजी डियर, ठीक है, और अगर इट है तो अपने की अंग्रेजी इट्स। एक वाक्य देख लो, ठीक है, एक वाक्य देख लो, जैसे हम अपने देश से, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने की अंग्रेजी बता रहे हैं, अपने की देखो। सब्जेक्ट कौन है, पहले हम किसको लिखे, कौन प्रेम करता है, हम यानी कि वी, पीछे पहुंचे प्रेम करते हैं, प्रेम करना लव, वी लव, ठीक है। अब क्या बच्चा, अपने देश से, तो देखो अपने देश से, तो अपने की अंग्रेजी अवर, कंट्री यानी कि देश, वी लव अवर कंट्री। अच्छा ईमानदारी से बताओ, किसके माइंड में डाउट आ रहा है, डाउट मतलब संदेह कि हमें कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, होगा, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो, ठीक है, वेरी गुड, कि जिससे की मीनिंग क्यों नहीं बनी है, होना भी चाहिए, देखो कोई भी डाउट हो उसको क्लियर करें कि जिससे की मीनिंग यहाँ क्यों नहीं बनी, क्योंकि यहाँ का की मीनिंग नहीं बनी है, यहाँ से की मीनिंग भी नहीं बनी है, तो इसमें ये समस्या कहाँ से, ये कहाँ चले जाते। देखो आप लोगों ने हिंदी में एक चैप्टर होता था 6, 7, 8 में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को पढ़ा, तो हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कारक, ये कारक चिन्ह है, क्या है ये कारक चिन्ह, तो ये कारक चिन्ह की भी अंग्रेजी नहीं बनती है, ठीक है, वो अंग्रेजी में कहा जाए कि इनकी अंग्रेजी क्यों नहीं बनती है, तो देखो इसलिए नहीं बनती है क्योंकि जी अगर हम यहाँ पर से की अंग्रेजी यहाँ बना देंगे तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, कौन सा वर्ब बन जाएगा, फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है, देखो जितनी अंग्रेजी में जाएंगे गहराई में उतने ही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते रहते हैं कि जी फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो फ्रेजल वर्ब का जैसे मान लीजिएगा पुट, पुट मीन्स क्या होता है, क्या होता है, रखना। देखो मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा और जानते भी हो, पुट मीन्स क्या होता है, रखना होता है। अगर पुट के बगल में हम प्रोपोजिशन लिख दो, क्या लिख दो, प्रीपोजिशन लिख दो, ऐसे ऑन लिख दिए, पुट ऑन, अब ये रखना नहीं बचा, क्या हो गया, पुट ऑन मीन्स क्या होता है, पहनना, पुट ऑन मीन्स क्या होता है, पहनना, पुट ऑन मीन्स क्या होता है, जैसे गो मीन्स जाना, इसके बगल में मैंने लिख दिया आउट, कोई मीनिंग आ गई है, गो आउट, इसका मतलब बाहर जाना भी, और इसका मतलब होता है बुझ जाना भी, समाप्त हो जाना, गो आउट, तो इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, कौन सा वर्ब, फ्रेजल वर्ब, जो मुहावरे टाइप की होती है, क्या होती है, मुहावरे, जैसे मुहावरा हिंदी में पढ़ा होगा 9, 2, 11 हो जाना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, भाग जाना, 9, 2, 11 इसी तरीके से अंग्रेजी में हो जाता है कि बड़ी बड़ी गो आउट, इसका मतलब बुझ जाना, ठीक है, अर्थ बदल जाता है, तो अंग्रेजी में इसको इसलिए क्रिया के बगल में प्रीपोजिशन का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के करते हैं, समझ में आया, चलिएगा अब हम आगे देखेंगे। देखिएगा जैसे मैं उन जानवरों को बहुत पसंद करता हूँ जो पालतू होते हैं। देखो मैं उन जानवरों को बहुत पसंद करता हूं जो पालतू होते हैं, समझ गए, तो देखो यहाँ पर हमने जो सेंटेंस है तो हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप में बना दिया है। अब देखो एक बात है, मैं उन जानवरों को बहुत पसंद करता हूँ इतना, और जो पालतू होते हैं जी अलग है,
अब देखिएगा बनाएंगे कैसे। पहले इसको बनाओ, मैं उन जानवरों को बहुत पसंद करता हूं, तो पहले हम किसको बना लें, मैं की अंग्रेजी आई, पसंद पीछे पहुंचे पसंद करना लाइक, आई लाइक, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, बहुत आई लाइक वेरी मच मीन्स बहुत अधिक या अधिक, आई लाइक वेरी मच उन जानवरों को, टू दोज एनिमल्स, आई लाइक वेरी मच टू दोज एनिमल्स। कोई डाउट किसी को नहीं है, होगा क्या, ये टू कहाँ से आया है ना, वेरी गुड। ये टू इसलिए आया, देखो जी टू क्या है, जिस करता है, जी क्रिया है, जी कर्म है, ठीक है ना। तो जो कर्म, जब कर्म को हम क्रिया से दूर ले जाएं, जब कर्म को क्रिया से दूर ले जाएं, तो क्रिया को हम टू से जोड़ दें, तो वो कर्म को कैसे जोड़ देंगे, टू से। समझ में आया ये टू कहाँ से आया। अगर हम यहाँ लिखते आई लाइक दो एनिमल वेरी मच, देखो ऐसे लिख सकते थे, आई लाइक दोज एनिमल वेरी मच, तो जी वाला सही है, आई लाइक दोज एनिमल वेरी मच। इसलिए यहाँ जो दो कर्म क्या है, दोज एनिमल, इसको हम दूर ले गए क्रिया से, तो जी कैसे जोड़ेंगे, टू से, ठीक है। जैसे देखो, माई फादर टीचेज मी स्विमिंग, मेरे पापा मुझे तैरना सिखाते हैं। माई फादर टीचेज मी स्विमिंग, मेरे पापा मुझे तैरना सिखाते हैं। अगर जी हम मी को यहाँ ले जाएं, तो जी कैसे जुड़ेगा, टू से, तो जी बनेगा माई फादर टीचेज स्विमिंग टू मी। और जी रीऑर्डरिंग में पूछा भी गया है कई बार कि टू कहाँ लगाएंगे, टू में। समझ में आया, तो याद रखिएगा जब कर्म को हम क्रिया से दूर ले जाएं, तो उसको कैसे जोड़ देंगे, टू से। तो माई फादर दोनों सही है, जे भी सही है, जे भी सही है। अंतर केवल इतना है कि जब मी जो है कर्म था तो क्रिया के बगल में था, अब ये कर्म क्रिया से दूर हो गया, तो इसको हमें टू से जोड़ना पड़ा। कोई भी डाउट हो देखो क्लियर तो करना पड़ेगा, वरना बनाते रहोगे। तो आई लाइक वेरी मच टू दोज एनिमल। अब जो जो की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, जो की अंग्रेजी बनाएंगे, देखो अगर जान इंसान है, इंसान है जैसे मैं तुम कोई व्यक्ति है, इंसान है, तो जो की अंग्रेजी बनती है हु, क्या बनती है, हु। अगर जानवर है, जानवर है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी विच, क्या बनेगी, विच। तो बताइए जानवर क्या है, जानवर ही है, तो जो की अंग्रेजी क्या बनेगी, विच, विच आर पालतू पेट, विच आर पेट। आई लाइक वेरी मच टू दोज एनिमल विच आर पेट, ठीक है। जैसे जैसे देखें, जैसे मैं उन लड़कों के साथ खेलता हूं जो ईमानदार हैं या ईमानदार होते हैं, एक ही चीज है। मैं उन लड़कों के साथ खेलता हूं जो ईमानदार होते हैं, तो मैं की अंग्रेजी आई, अब पीछे पहुंचे खेलता हूं, खेलना क्या होता है, प्ले, आई प्ले। अब के साथ की अंग्रेजी विथ, आई प्ले विथ उन लड़कों, दोज बॉयज, आई प्ले विद दोज बॉयज, मैं उन लड़कों के साथ खेलता हूं जो, जो की अंग्रेजी हो जाएगी, लड़का है तो हो जाएगी हु। अब होते हैं आर ईमानदार, क्या होता है, ऑनेस्ट, हु आर ऑनेस्ट, आई प्ले विद दोज बॉय हु आर ऑनेस्ट। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, आज तुम्हारा ये साधारण हो गया,
अब अगले में देखेंगे निगेटिव, कल पढ़ना है क्या निगेटिव। चलिएगा, धन्यवाद। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब होता है नहीं वाले वाक्य। आप लोगों ने कई बार पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, हजारों बार पढ़ लिए होंगे जब से अंग्रेजी में होश संभाला आप लोगों ने, कई बार पढ़े होंगे, पढ़े नहीं पढ़े तो करेंगे क्या कि एक वचन कर्ता जो ही सी इट या नाम होता है, इनके साथ डज नोट लगाते हैं। क्या लगा देंगे? डज नोट, मतलब एक वचन के साथ डज नोट लगा देंगे और बहुवचन के साथ डू नोट लगा देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? एक वचन के साथ क्या लगा देंगे? डज नोट, और बहुवचन के साथ क्या लगा देंगे? डू नोट। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो देखो, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डू या डज सब्जेक्ट के आंसर, इसके बाद लिखेंगे नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ओ नहीं है, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे वाक्य का छोटा सा वाक्य देख लो पहले, छोटा वाला, ठीक है। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, समझना इसको। अब मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, ठीक है, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई, ठीक है। अब नहीं आया, क्या आया? नहीं, तो नहीं के लिए हम नॉट नहीं लगा सकते अकेला, कि नॉट लगा दें, नॉट, आई नॉट, बेकार भी लगता है। तो यहां पर हम लगाएंगे डू, डू नॉट, आई डू नॉट, ठीक है। अब पढ़ता हूं रीड, वो किताब तो पता होगा, द बुक। अच्छा, बुक के आगे द पता है क्यों लगा है? कल बताया भी था मैंने। तो आई डू नॉट रीड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे मान लीजिएगा, एक और देख लो, जैसे वह घर नहीं जाता है। अब इसमें एक चीज बताऊंगा, वो आप लोगों से पूछूंगा कि डाउट कहाँ है। अगर आपने डाउट बता दिया, देखो डाउट भी ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं घर नहीं जाता हूं, मैं घर नहीं, वह है, क्यों? वह घर नहीं जाता है, सही तो था। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही, और फिर नहीं के लिए डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट, ठीक है। अब जाना, गो टू, घर की, होम, ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पर क्या डाउट लग रहा है? क्या डू क्या है सो बताइए, कुछ लग रहा है तुम्हें चेंजिंग? किसको बताइए बहन जी, क्या लग रहा है चेंजिंग? डू, डू लगाना है यहाँ क्या? इसमें किसी के माइंड में कोई डाउट ही नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, डाउट आना चाहिए कभी कभी। जैसे एक वचन में आपने पढ़ा क्रिया में एस या एस लगाते हैं, तो इसका एस ओ एस क्यों हट गया? जी डाउट है, इसमें एस ओ एस क्यों नहीं लगा? क्या साधारण तक ही लगना था? हटा नहीं है, एस ओ एस कहीं नहीं गया है, आपके साथ है। एस ओ एस कहाँ है? आपके साथ है। देखिएगा, डू और डज, तो यही ये इसका बना दिया गया है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसी देखो, ये डू दोनों हैं, ठीक है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन रहेगा। जैसे आई क्या है? बहुवचन माना आई, वैसे एक वचन होता है, ठीक है। अब बताएंगे हम अलग से सारणी बना के आई बहुवचन एक वचन कैसे होता है। तो लेकिन यहाँ कुछ शर्तें पूरी नहीं करने के कारण जो फर्स्ट पर्सन में आता है तो आई के साथ क्या लगा है? डू, ठीक है। और यहाँ पर एक वचन के साथ क्या लगा लगाएंगे? डज है तो वही, तो यहाँ का ईएस हटके यहाँ चला गया बहुवचन, समझ में आया? तो ही डज नॉट गो टू होम, ठीक है। कोई डाउट किसी के माइंड में? चलिए अब एक और देख लेंगे। जैसे हम देखते हैं कि यह बूढ़ी महिला
इस वर्ष अपने विद्यालय में उन अनाथ बच्चों को प्रवेश देना नहीं चाहती है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य देखे थे, ठीक है ना। अब कभी कभी कैसा होता है कि बच्चे बड़े वाक्य देख के, बड़े सेंटेंस देख के थोड़ी सा हेसिटेशन, हिचक, तो जाने बने कि ना बने, ऐसा फील कर लेते हैं। लेकिन कुछ तो फील करते ही नहीं, वो कहते हैं कोई समस्या नहीं है, बन गया तो ठीक है और नहीं बना तो ठीक है, क्यों। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, बड़ा सिंपल होता है, बड़ा सिंपल होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, करेंगे क्या। वही फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट निकालो, पहले एक बार वाक्य को पढ़ो। यह बूढ़ी महिला इस वर्ष अपने विद्यालय में उन अनाथ बच्चों को प्रवेश देना नहीं चाहती है। तो कौन प्रवेश देना नहीं चाहता है? यह बूढ़ी महिला। इसको हम लिखेंगे एक नंबर पर, मतलब पहले हम इसी को लिखना है, फिर जाएंगे, फिर सहायक क्रिया नहीं के लिए डज नॉट हो जाएगा। अब पीछे से आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे चाहना, तो चाहना क्या होता है, वांट, चाहना लिखेंगे ना, वांट। अब चाहना के आगे बढ़ेंगे प्रवेश देना, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे उन अनाथ बच्चों को, फिर आगे बढ़ेंगे अपने विद्यालय में, फिर आगे बढ़ेंगे इस वर्ष, इस तरीका से, मतलब पहले आगे और फिर पीछे से आगे बढ़ते आना है। याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस हो इसी तरीका से बनाना पड़ता है, और यहीं पर बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि बनाएं कैसे। देखिएगा, यह है बूढ़ी महिला, दिस बूढ़ी यानी कि ओल्ड, महिला यानी कि लेडी या वोमेन भी कह सकते हैं, दिस ओल्ड लेडी। अब नहीं के लिए डज नॉट, डज नॉट, दिस ओल्ड लेडी डज नॉट, ठीक है। अब चाहती है तो वांट, प्रवेश देना टू एडमिट। अब ये टू क्यों आया, देखो कभी भी दो क्रियाएं जोड़ना हो तो दो क्रियाएं जोड़ने के लिए टू लगा देते हैं। और दूसरी चीज, जिस क्रिया के अंत में नानी ने आ जाए वो उस क्रिया के आगे टू लगता ही है, ठीक है, उस क्रिया के आगे टू। जैसे मान लीजिएगा, जैसे गो, गो मीन्स जाना नहीं होता है, गो मीन्स होता है जाओ, गो मीन्स क्या होता है, जाओ। रीड मीन्स पढ़ना नहीं होता है, रीड मीन्स होता है पढ़ो या पढ़िए, फिर पढ़ना क्या होता है, टू रीड, अब है पढ़ना। जिसके पीछे ना ना आ जाए, पढ़ना जाना, तो इसके आगे टू लगे। कोई भी क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो जिसके पीछे ना आ जाए, इन्फिनिटिव, ना को बोलते हैं इन्फिनिटिव, क्या बोलते हैं, किसी भी क्रिया के पीछे ना आ जाए उसके आगे क्या लगा देंगे, टू। तो प्रवेश देना आया है, यहां पर क्या लगा दिया, टू, समझ में आया। तो दिस ओल्ड लेडी डज नॉट वांट टू एडमिट, तो यह मतलब बूढ़ी महिला प्रवेश देना नहीं चाहती है। अब आगे बढ़ेंगे उन अनाथ बच्चों को, तो टू, उनकी अंग्रेजी दोज, अनाथ ऑर्फन, बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन। तो टू पता है जी क्यों आया, कर्म, कल बताया था, कर्म को दूर कर दिया, ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया, वर्ब से, मेन वर्ब क्या है, वांट, वांट से दूर कर दिया, टू से जोड़ेंगे तो टू दोज ऑर्फन चिल्ड्रन। इतने जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, अपने विद्यालय में, तो इन, वो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हर, तो विद्यालय बोलते रहा करो, स्कूल, क्या बच्चा, इस वर्ष की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस ईयर, कि दिस वर्ष, दिस ईयर क्या हो जाएगा, दिस ईयर, हमारा सेंटेंस क्लियर होगा, दिस ओल्ड लेडी डज नॉट वांट टू एडमिट टू दोज ऑर्फन चिल्ड्रन इन हर स्कूल दिस ईयर। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताएं, हो जाएगा, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखें, हम नोट लगाएं, तो जी हमारा नेगेटिव हुआ। अब नेगेटिव में होता क्या है, एक रूल और आता है, देखिएगा, यहां हम लिख रहे हैं नोट,
वाक्य में कभी नहीं तो इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे? नेवर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेवर बनाते हैं। तथा वाक्य साधारण, वाक्य साधारण की तरह बनेगा। वाक्य कैसा बनेगा? साधारण की तरह। साधारण मतलब ऐसे ही ऐसी लगेगा, डूडज नहीं लगेगा। निगेटिव में डूडज लगता है और साधारण में अफर्मेटिव में एस या यस वगैरह जो बहुवचन का नियम है वही लगेगा। तो जब वाक्य में क्या आ जाए? कभी नहीं आ जाए तो इस देखो कभी नहीं साथ में भी आ सकता है और कभी कभी ऐसा होता है कभी कहीं है और नहीं कहीं है। समझ में आ रहा है? देखो जैसे एक एग्जाम्पल देखो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है? तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं तो कभी और नहीं आया है, कभी नहीं, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। और कभी नहीं की अंग्रेजी? नेवर। आई नेवर, मैं कभी नहीं। अब बोलता हूं तो देखो टेल और स्पीक में अंतर होता है। सत्य बोलते हैं तो स्पीक, ठीक है? बोलने का मतलब होता है बताना। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं मतलब मैं कभी झूठ नहीं बताता हूं, बताना टेल, ठीक है? और स्पीक मीन्स कहना, स्पीक मीन्स कहना, तो वहां पर सत्य कहते पड़ता है, बता दे थोड़ी है। तो आई नेवर टेल, और झूठ के लिए झूठ होता है लाई, और लाई के आगे आ लग जाता है। समझ में आया? तो इसलिए टेल आ लाई बन जाता है। तो आई नेवर टेल आ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है? जैसे एक बार खोया हुआ समय, एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, ठीक है? एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, ठीक है? तो देखो बेटा, पहले हम एक बार की अंग्रेजी अलग कर लेंगे थोड़ा। एक बार तुमने इसको कई बार सुना भी होगा, सुना के नहीं सुना है, कई व्यक्तियों को बोलते सुना होगा कि बेटा ऐसा है पढ़ लो, अभी समय है, अगर समय बीत गया तो फिर दोबारा नहीं आना है, ठीक है? और व्यक्ति भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और कुछ कह देते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। क्यों? किसी के पास टाइम नहीं है और कोई कह देता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बार की अंग्रेजी क्या बन जाएगी? वंस। अब खोया हुआ समय, देखो खोया हुआ ये पार्टिसिपल में चला गया। अगर आप लोगों ने पार्टिसिपल को पढ़ा हो, नहीं पढ़ाया तो हम पढ़ा भी देंगे अगले वीडियो में। तो खोया हुआ, खोना क्या होता है? लॉस, और लॉस की सेकंड अवस्था लॉस्ट, और समय टाइम, समय तो पता होगा। तो वंस लॉस्ट टाइम, एक बार खोया हुआ समय। अब कभी नहीं की अंग्रेजी? नेवर। नेवर। और वापस आना, कम बैक, वापस लगा सकते हैं या रिटर्न। रिटर्न मीन्स भी क्या होता है? वापस आना, या कम बैक भी लगा सकते हैं। समझ में आया? तो क्या लिख देंगे? रिटर्न। रिटर्न में जोड़ देंगे यस। वंस लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स, एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो छोटे छोटे वाक्य तो ऐसा है कि जैसे मैं कभी गाली नहीं देता हूं, तो कैसे बना लोगे? आई नेवर अब्यूज, ठीक है? मैं कभी विद्यालय नहीं जाता हूं, आई नेवर गो टू स्कूल। मैं कभी खेलता नहीं हूं,
आई नेवर प्ले, ठीक है, मैं कभी हंसता नहीं हूं, आई नेवर लाफ। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य तो आप लोग मौखिक बनाने की कोशिश किया करो, जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखित ही हो, ठीक है। तो एक बार खोया हुआ समय कभी वापस, एक और देख लो, जैसे भौंकने भौंकने वाले कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, ये सुना भी होगा आप लोगों ने, हैं? भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते, जो मुहावरा में भी है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, ठीक है। ऐसी सुना कि नहीं सुना कि भौंकने वाले कुत्ते, एक और सुना हो ऐसी में कि हाथी चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, मतलब अच्छे से सुना है तुम लोगों ने, अच्छी बात है। तो भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, तो देखिएगा भौंकने वाले कुत्ते, तो कभी क्रिया के किसी भी क्रिया में बाला बाली वाले आ जाए, उस क्रिया में आई एनजी जोड़ देते, भौंकना क्रिया है, भौंकना क्या होता है, बार्क, और बार्क में लग जाएगा आई एनजी बार्किंग, और कुत्ते क्या है, डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। और कभी नहीं के अंग्रेजी नेवर भी बनती है और सेल्डम भी बनती है, सेल्डम, और काटना बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब सेल्डम और नेवर में क्या अंतर है इसको भी समझ लो। नेवर का मतलब होता है कि कभी नहीं, बिल्कुल जीवन में नहीं होगा, नेवर का मतलब कि जीवन में ऐसा होगा ही नहीं, और सेल्डम का मतलब है कि हो सकता है। जैसे भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, तो जब तक भौंकेंगे तब तक नहीं काटेंगे, अब ये नहीं है कि वो काटना छोड़ दें, कुत्ते काटना छोड़ देंगे, काट भी, जो कुत्ते काटते हैं ना वो भौंकते नहीं, मतलब आराम से धीरे धीरे आएंगे, वो चिपक जाएंगे, और अगर भौंक रहा है कुत्ता फिर बहुत ही कम काटता है। इसलिए सेल्डम में नेवर में यही अंतर होता है कि नेवर का मतलब है कभी नहीं, होगा ही नहीं, जैसे एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो मतलब जो निकल गया जी कभी आएगा ही नहीं, खत्म, ये आएगा दोबारा है। लेकिन यहाँ पर जी कुत्ता, फिर जी बताओ जीवन, इसकी कोई गारंटी है कि जीवन में जी कभी काटेगा नहीं, काट सकता है, लेकिन तो सेल्डम का मतलब है कि हो सकता है, और नेवर का मतलब है कि होगा ही नहीं। समझ में आया नेवर और सेल्डम में अंतर, चलिए नोट करें। इंटरोगेटिव में देखेंगे जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से, तो क्या कि अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, याद रखिएगा जब आपका वाक्य क्या से शुरू हो तो आपको क्या की अंग्रेजी नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है क्या की अंग्रेजी, बोलना ही नहीं है, बल्कि क्या की जगह, जो क्या होगा तो क्या की जगह डू या डज, डू या डज लिख देंगे, क्या लिख देंगे क्या की जगह डू या डज, आप लोगों को बेहतरीन तरीका से पता भी होगा, पता है ना, वेरी गुड। तो हम पहले लिखेंगे डू डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो डज, और सब्जेक्ट बहुवचन में है तो डू, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे वर्ब, क्या लिखेंगे वर्ब, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और इसके बाद लिखेंगे ओनी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कर्म, कि अंडा बना देंगे, नहीं बेटा जी ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो बचे तो लिख दो, और ना बचे तो लिखना ही नहीं है, इसको इस फॉर्मूला पे आपको सेंटेंस को सेट करना है। देखिएगा एक सेंटेंस छोटा वाला, जैसे क्या क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी डू, सब्जेक्ट कौन है तुम की अंग्रेजी यू, अब जानना नो, और मुझे की अंग्रेजी मी, क्या बना डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, कोई दिक्कत किसी को। एक और देख लो, जैसे
क्या लकड़हारा, क्या लकड़हारा लकड़ियां काटता है? क्या लकड़हारा लकड़ियां काटता है? तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डज। क्यों? क्योंकि लकड़हारा तो एक है। अब वही देखो, इसको हटा के सीधा बचा क्या? लकड़हारा लकड़ियां काटता है, तो पहले नंबर पर किसको लिखा? लकड़हारा। लकड़हारा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वुड कटर। तो वुड मीन्स लकड़ी भी होती है, और बुश मीन्स जंगल होता है। देखो वुड मीन्स होता है लकड़ी, उसमें जुड़ जाए एस बुश, तो बुश मीन्स जंगल, और वुड यानी कि लकड़ी को, और कटर यानी कि काटने वाला, यानी कि लकड़ी काटने वाला यानी कि लकड़हारा। तो डज वुड कटर। अब काटना क्या होगा? कट द वुड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। डज वुड कटर कट द वुड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो एक बात और देखेंगे, जैसे क्या गूंगे लोग, क्या गूंगे लोग गीत गाते हैं? बताइए, तुमने सुना किसी गूंगे को गीत गाते हुए? सुना? चलिए, मैंने भी नहीं सुना। गाते ही नहीं है गूंगे लोग, बोल नहीं पाते हैं ना वो। क्या गूंगे लोग गीत गाते हैं? तो गूंगे लोग ज्यादा हैं, तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डू। और गूंगे लोग डम प्यूपल, डम प्यूपल। अब गाना गाते गाते हैं मतलब सिंग सॉन्ग। कोई दिक्कत किसी को? डू डम प्यूपल सिंग द सॉन्ग। कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगा है? जैसे क्या विद्यार्थी नाटक में भाग लेते हैं? क्या विद्यार्थी नाटक में भाग लेते हैं? तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डू। क्या हो जाएगी? डू। अधिक विद्यार्थी। अब देखो डू के बाद हम देखेंगे, ये है आपका कर्ता, पीछे जाएंगे भाग लेना, आगे बढ़ेंगे नाटक में। समझ में आया? तो विद्यार्थी क्या होता है? स्टूडेंट्स। भाग लेना पार्टिसिपेट भी होता है, और टेक पार्ट भी होता है। तो टेक पार्ट लिख लो, टेक पार्ट नाटक में, इन द ड्रामा, इन द ड्रामा। डू स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन द ड्रामा। क्या विद्यार्थी ड्रामे में भाग लेते हैं? कोई दिक्कत किसी को? विद्यार्थी नाटक में भाग ज्यादा लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखा आजकल हर बच्चा नाटक में। अच्छा मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी हर कक्षा में तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थी? तीन प्रकार के। एक होते हैं लक्ष्य। कौन से टाइप के होते हैं? लक्ष्य टाइप के। और एक होते हैं धैर्य, धैर्य टाइप के। और एक होते हैं चुलबुल टाइप के। तीन प्रकार के विद्यार्थी हर कक्षा में होते हैं। यहां भी तीन ही प्रकार के हैं, ऐसा नहीं है। यहां पर भी तीन प्रकार के विद्यार्थी हैं। लक्ष्य भी यहां बैठे हुए हैं, धैर्य भी यहां बैठे हुए हैं, और चुलबुल भी यहां बैठे हुए हैं। अब लक्ष्य कौन होता है? लक्ष्य देखो, पूरी क्लास में जैसे मान लीजिएगा कि 100 बच्चा बैठा, कितना बच्चा बैठा? तो उसमें से 10% होगा लक्ष्य। कितना परसेंट होगा? 10%। इसका लक्ष्य रहता है कि नहीं, हमें पढ़ना है, हमें बहुत आगे तक जाना है।
10 का, सभी का नहीं होता है, केवल 10% का होगा। 100 में से 10 बच्चे कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हमें पर डे 20 सवाल हल करना है तो करना है, उनका लक्ष्य है। उनका लक्ष्य है हमें पर डे की 20 मीनिंग याद करना है तो करना है, क्योंकि उनका लक्ष्य है। और समय भी निश्चित कि इतने समय में, क्योंकि बाकी समय में और चीजें भी देखना है, तो लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित कर लेते हैं। और धैर्य वाले होते हैं, जी भी होते हैं धैर्य वाले भी, ठीक है, जी होते हैं लगभग 80-82 के लगभग, ठीक है, तो जी भी होते हैं 80% के लगभग। धैर्य का मतलब होता है कि जी पढ़ते तो हैं लेकिन जी धैर्यशाली होते हैं, कहा करना है जल्दी पढ़ के। जी एक जैसे लक्ष्य ने 1 घंटे में, ठीक है, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, धैर्य भी 1 घंटा पड़ेगा, लेकिन इन धैर्यशील व्यक्ति हैं, क्या करना है 20 हल करके 10-12 निपटा दो, बहुत है। मतलब 1 घंटे में इसका लक्ष्य है कि हमें 1 घंटे में 20 क्वेश्चन हल करना है, और इसका लक्ष्य क्या है, ये भी 1 घंटा पड़ रहा है, लेकिन 10-12 5-6 8-9 बैठा रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। न आगे बढ़ने का जुनून और न पीछे जाने का खतरा। धैर्यशाली व्यक्ति हैं जी लोग, कौन से हैं, धैर्यशाली, ठीक है। और इसके बाद बाकी होते हैं चुलबुल, 8-9% क्या होते हैं, चुलबुल, बाकी बचते हैं वो चुलबुल। तो चुलबुल जो होते हैं, चुलबुल कम होते हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता है कि सर जी का समझा रहे हैं का नहीं समझा रहे हैं, तो अपनी जो मस्ती करना है, सर जी कुछ पढ़ाएंगे और कुछ कमेंट मार देंगे, पूरी क्लास को हंसवा देंगे, पिटवा देंगे, खुद पिटेंगे दूसरे को पिटवा देंगे, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है कि हम करें तो क्या करें, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हो गए पास तो हो गए, फेल होने पर भी उन्हें चिंता नहीं होती हम फेल क्यों हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने कुछ किया तो है नहीं है, क्या करना। और पास हो जाएंगे तो भी उन्हें तमन्ना नहीं रहती, मैंने अरे पास हो गया, इतने नंबर का तो मुझसे बना ही नहीं था, समझ में आया ना। तो लक्ष्य, धैर्य और चुलबुल, 3 प्रकार के विद्यार्थी हर क्लास में होते हैं। अब तय आपको करना है कि आप इनमें से कौन हो, आपको लक्ष्य बनना है कि धैर्य बनना है कि चुलबुल बनना है। तो अच्छा बताइए कितने बच्चों को चुलबुल बनना है, ये हाथ नहीं करेंगे, बनना कोई नहीं चाहता है, लेकिन कहेंगे नहीं मैं चुलबुल थोड़ी हूं, मैं चुलबुल नहीं हूं, मुझे चुलबुल नहीं बनना है। अच्छा धैर्य वाले बच्चे कितने बनेंगे, धैर्य जो कहते हैं मुझे क्या करना, ना ज्यादा ना कम, रहने दो, सही है जो है भगवान का दिया, बस रहने दो, बहुत कुछ धैर्यशाली है कोई। अच्छा लक्ष्य कितने बच्चों को बनना है, लक्ष्य ना लक्ष्य किसी को बनना है, हाँ दुबई करें किसको क्या बनना है बताएं। चुलबुल कितने बच्चों को बनना, हाँ दुबई करेंगे ना चुलबुल बनना है, धैर्य किसी को नहीं। और लक्ष्य कितने बच्चे बनना चाहते हैं कि मैं लक्ष्य बनूंगा, आ पूरी क्लास, बहुत बढ़िया, पूरी क्लास चाहती है कि हम लक्ष्य बने, चलिए बनिए लक्ष्य, कोशिश करिए, ठीक है। तो आगे देखेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द, यहां लिखना है शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, कहां आ जाए, बीच में, बीच में आ जाते हैं, जैसे क्या, कौन, किसने, कब, क्यों, कैसे, कितना, ठीक है, कितने, किसको, ये प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं, तो कहाँ आ जाएं, वाक्य के बीच में आ जाएं, समझे ना। तो इनकी अंग्रेजी पहले बना देंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द हो, क्वेश्चन वर्ड हो, तो इनकी अंग्रेजी कब बना देंगे, पहले बना देंगे, ठीक है। और फिर वाक्य नियम अनुसार बनाएंगे, जो नियम है उसी के अनुसार बनाना है। जैसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिख देंगे डू या डज, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर नॉट लिख देंगे अगर है तो, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, और फिर जो बचा तो लिख दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। जैसे तुम इन लड़कों को मुंह क्यों चढ़ाते हो, तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, क्यों, कहाँ है, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे पहले वाई, वाई, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन है, तुम, ठीक है, तो तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डू, कर्ता कौन है, यू, वाई डू यू। अब पीछे पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, पीछे, पीछे मिलेगी वर्ब यानी क्रिया, चिढ़ाना,
चढ़ाना क्या होता है? टीज, टीज मीन्स चढ़ाना। वाई डू यू टीज, तुम क्यों, सॉरी मुंह चढ़ाना है क्रिया, केवल चढ़ाना टीज मीन्स होता है, मुंह चढ़ाना मेक टू फेस होता है। ठीक है, मुंह चढ़ाना मतलब मुंह बनाना। तुम लोगों ने देखा कुछ लोग मुंह बना देते हैं, मेक टू फेस, मेक टू फेस का मतलब होता है मुंह चढ़ाना, और टीज मीन्स होता है केवल चढ़ाना। तो मेक टू फेस क्या बच्चा, इन लड़कों को, ठीक है, टू दीज बॉयज, ठीक है, वाई डू यू मेक टू फेस टू दीज बॉयज, तुम इन लड़कों को मुंह क्यों चढ़ाते हो? कोई दिक्कत किसी को? आगे, तुम्हारा भाई इन कठिन सवालों को कैसे हल करता है? देखो बेटा, सबसे पहले हमें देखना है कैसे की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी देखना है, कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन हल करता है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई तो एक ही है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डज, और तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है तो योर ब्रदर। कोई दिक्कत यहां तक? हाउ डज योर ब्रदर। अब वर्ब चाहिए, वर्ब कहां मिलेगी, पीछे, पीछे कहां है, हल करना, हल करना क्या होता है, सॉल्व। अब क्या बच्चा, इन कठिन सवालों को, तो दीज मीन्स इन, कठिन क्या होता है, हार्ड या डिफिकल्ट, और सवाल क्या होता है, क्वेश्चंस। आपका सेंटेंस बना, हाउ डज योर ब्रदर सॉल्व दीज हार्ड क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ेंगे, बे छोटा सा वाक्य लिखा है, बे घर कब जाते हैं, बिल्कुल सिंपल, बे घर कब जाते हैं, तो पहले में क्वेश्चन मार्क कौन सा, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कब, तो कब की अंग्रेजी क्या बनाओगे, वेन। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो वीक सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, डू, वेन डू, फिर दे, और जाना, गो टू होम या हाउस, ठीक है, वेन डू दे गो टू होम। तो कोई दिक्कत है किसी को भी, चलिएगा। अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो कभी अकेले नहीं आते हैं, ठीक है, उनके साथ संज्ञा आती है। कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे भी होते हैं जो कभी अकेले नहीं आते हैं, याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जो कभी अकेले नहीं आते हैं उनके, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड कौन से हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, केवल चार क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ग्यारह, ग्यारह में से चार ऐसे हैं कि जो कभी अकेले आते ही नहीं है, इनके साथ में संज्ञा आएगी। जैसे आप दिन कितने पाठ याद करते हो, तो कितने तो प्रश्नवाचक शब्द है लेकिन पाठ क्या है, संज्ञा, नाउन है, तो साथ में आएगा कितने पाठ, तो कितने पाठ क्या होगा, हाउ मैनी लेसन, हाउ मैनी लेसन। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, हाउ मैनी लेसन। अब हेल्पिंग वर्ब, डू, यू को याद करना, लर्न, प्रतिदिन की अंग्रेजी, डेली, हाउ मैनी लेसन डू यू लर्न डेली। कोई दिक्कत किसी को? आगे, तुम्हारा मित्र किसका घर खरीदना चाहता है, तो किसका घर, साथ में आया किसका घर, किसका क्या होता है, हुज, घर यानी कि हाउस, हुज हाउस, हुज हाउस। अब तुम्हारा मित्र है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज, फिर योर फ्रेंड, वर्ब क्या है, चाहता है, वांट टू, वाई, ठीक है, हुज हाउस डज योर फ्रेंड वांट टू वाई। कोई दिक्कत किसी को? आगे देख लीजिएगा, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, ये तुम लोगों ने अपने जीवन में कई बार सुना भी होगा, बोला भी होगा, कौन सी कक्षा में, तो मैं भी साथ में आएगा, इन विच क्लास, इन विच क्लास, कौन सी कक्षा में, तुम यानी कि डू यू रीड, बताइए किस किसने सुना है इस वाले वाक्य को, सुना है, वेरी गुड, इन विच क्लास डू यू
रीड, तो आप लोग बड़े स्वर से कह देते हो जोन भी क्लास में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिएगा नोट कर लो, नोट देखें, नोट नोट में लिखा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द के साथ करता हो, ठीक है, किसके साथ में करता हो? प्रश्नवाचक शब्द के साथ में, तो वाक्य साधारण की तरह बनता है। साधारण की तरह मतलब एस या ईएस लगाते हैं, कहने का मतलब क्रिया में एस ईएस लगेगा, ठीक है, जो साधारण में आप लोग करते थे, मतलब एक वचन कर्ता के साथ क्रिया एक वचन की होती है और बहुवचन के साथ क्रिया बहुवचन की होती है, तो वही नियम इसमें लगेगा, कब? जब प्रश्नवाचक शब्द के साथ में क्या हो? करता हो। जैसे दिया गया है किसका लड़का रोता है, ठीक है, किसका लड़का रोता है, तो सब्जेक्ट निकाला हमने कौन, पहले क्वेश्चन वर्ड निकालो कौन है? किसका। अब सब्जेक्ट निकालो कौन रोता है? लड़का, तो लड़का, अब देखो किसका लड़का जी साथ में आ रहा है, किसका लड़का आ रहा है नहीं आ रहा है, किसका लड़का, तो किसका क्या होता है अंग्रेजी में? हुज, और लड़का बॉय, ये बनेगा हुज बॉयज, हुज बॉयज, हुज बॉयज नहीं, हुज बॉय, किसका लड़का। अब क्रिया पीछे पहुंचे रोता है, तो रोना क्या होता है? बीप, और बीप में जुड़ जाएगा एस, हुज बॉय बीप, हुज बॉय बीप, किसका लड़का रोता। इसमें डू और डज नहीं लगेगा क्योंकि वाक्य साधारण की तरह बनता है, याद रखिएगा ये रूल, ठीक है। दूसरा देखो, कौन सा लड़का अक्सर यहाँ आता है, तो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कौन सा। सब्जेक्ट क्या है? लड़का। कौन सा लड़का, कौन सा लड़का, कौन सा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? विच, और लड़का बॉय, विच बॉय, और अक्सर की अंग्रेजी क्या होगी? ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर, वो आता है, आना क्या होता है? कम, और कम में जुड़ जाएगा एस, विच बॉय ऑफन कम्स, कौन सा लड़का आता है। यहां भी है, यहां की अंग्रेजी हियर, कम्स हियर, ठीक है, विच बॉय ऑफन कम्स हियर, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखो, एक और बड़ा सा सेंटेंस है, कितने लड़के एवं कितनी लड़कियां प्रदर्शनी देखने रेलगाड़ी से आगरा जाते हैं, ठीक है, तो सब पहले प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कितने, और कितनी, कितना, कितनी, कितने का मीन्स होता है हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी मीन्स होता है। अब देखो लड़के और लड़कियां, इसी के साथ आ रहा है, कितने लड़के एवं कितनी लड़कियां, पूरा साथ में आ रहा है, तो कैसे बनाओगे? हाउ मैनी बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज एंड गर्ल्स, या हाउ मैनी बॉयज एंड हाउ मैनी गर्ल्स भी लिख सकते हैं, हाउ मैनी बॉयज एंड गर्ल्स। अब जाते हैं, पीछे पहुंचे, जाते हैं, जाते हैं मतलब गो, कहाँ? आगे बढ़ो, आगरा, टू आगरा, आगे बढ़ो, ठीक है, रेलगाड़ी से बाय ट्रेन, प्रदर्शनी देखने, तो टू, देखना क्या होता है? सीधा डिस्प्ले या एग्जीबिशन, ठीक है। हाउ मैनी बॉयज एंड गर्ल्स गो टू आगरा बाय ट्रेन टू सीधा डिस्प्ले, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया समस्या? अगर है तो अभी बता दो बेटा, अभी समझा देंगे, बाद में तुम कहो कि सर जी हमें दिक्कत हो रही है, तो बाद में कौन समझाने वाला है फिर? अभी समस्या हो तो बताएं, है तो इस ये वाला रूल समझ में आया? इसका रूल क्या है कि जब प्रश्नवाचक शब्द के साथ करता हो तो वाक्य साधारण की तरह है, बनता है, मतलब इसमें देखो प्रश्नवाचक भी है लेकिन डूडज नहीं लगा है, डूडज नहीं लगा है, कि लगा है डूडज। चलिए आगे, जब वाक्य में करता ना हो, दूसरा नोट लगा है, जब वाक्य में करता ना हो एवं करता कौन, कौन करता का काम करे, करता काम कौन करे, कौन, तो वाक्य साधारण की तरह बनता है, मतलब जब वाक्य में कौन आ जाए, क्या आ जाए, कौन, तो वाक्य साधारण की तरह बनता है। जैसे कौन आता है, तो यहाँ आने वाला कोई है क्या? नहीं है, तो फिर कौन आ रहा है, तो कौन को ही करता मान लिया जाएगा, कौन की अंग्रेजी हो जाएगी हु, आना
कम और कम में जुड़ जाएगा एस, हु कम्स, हु कम्स, कौन आता है। छोटा सा बात है समझाने के लिए, इसका थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो मैं हिंदी कौन पढ़ाता है, ठीक है, तो कर्ता निकालो, पढ़ाने वाला कौन है यहाँ, कोई है? कुछ बच्चे तुम्ही को कर्ता मान लेते, तुम्हें कर्ता नहीं है, तुम्हें कर्म है, कर्ता कौन से निकालते हैं ना, कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं है, तो हम कौन को कर्ता मान लेंगे, कौन, हु। वर्ब पीछे मिलेगी, क्रिया कहाँ मिलती है, पीछे, पढ़ाना क्या है, टीच, और टीच की टीच में जोड़ देंगे यस, हु टीचेज, हु टीचेज यू, तुम्हें की अंग्रेजी, यू, और हिंदी, हु टीचेज यू हिंदी, हु टीचेज यू हिंदी, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखेंगे, अपने उद्यान में इस वर्ष विभिन्न प्रकार के पुष्प कौन उगाता है, एक और समझ लो, अपने उद्यान में इस वर्ष विभिन्न प्रकार के पुष्प कौन उगाता है, तो इसमें उगाने वाला कौन है, कोई नहीं है, तो कौन को ही कर्ता मानेंगे, कौन उगाता है, कौन उगाता है, तो कौन की अंग्रेजी, हु, उगाना ग्रो में जुड़ जाएगा एस, हु ग्रोज। अब क्या बचा, विभिन्न प्रकार के पुष्प, तो मैनी काइंड ऑफ फ्लावर्स, उद्यान में, उद्यान जानते हो बगीचा, इन हिज गार्डन, इन हिज गार्डन, क्या बचा, इस वर्ष, इस वर्ष की अंग्रेजी, दिस ईयर, क्या हो जाएगी, दिस ईयर। तो वाक्य बना, हु ग्रोज मैनी काइंड ऑफ फ्लावर इन हिज गार्डन दिस ईयर, ठीक है, इस अपने उद्यान में इस वर्ष विभिन्न प्रकार के पुष्प कौन उगाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला नियम है, अब यहां से देखेंगे अगला नियम, जब वाक्य में कर्ता तू हो, एक शब्द होता है और जो एंशियंट अंग्रेजी है, प्राचीन अंग्रेजी है, उसमें एक शब्द आता है तू, ठीक है, अगर आप लोग कोई पोयम पढ़ोगे तो उसमें देखने को मिलेगा तू शब्द, उसको हम बोलते हैं इस, तो इसकी अंग्रेजी दाऊ बनाते हैं, कुछ लोग इसे दाऊ पढ़ते हैं, कुछ थाऊ पढ़ते हैं, थाऊ, ठीक है, जो भी पढ़ना हो पढ़िए, जे भी कर्ता होता है, ठीक है, जैसे यू, तुम क्या होता है, यू, तुम होता है यू, और तू होता है दाऊ, ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, और दाऊ का ऑब्जेक्ट होता है दी, क्या होता है, दी, और इसका पजेसिव होगा योर, और इसका होता है दाई, क्या होता है, दाई, इसका अलग होता है, यू यू योर दाऊ दी दाई, इसका अलग होता है, समझे, ये थोड़ा जो ग्रामिकल है, ठीक है, जो बहुत पुरानी अंग्रेजी है, इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, कोई भी पोयम हो उसका अर्थ आप लोग अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तू शब्द को खड़ी बोली में बोला जाता है, ठीक है, कि जब वाक्य में कर्ता तू हो तो इसकी अंग्रेजी दाऊ बनाते हैं, तथा सहायक क्रिया डज को दोस्त बना देते हैं, फिर डज नहीं लगता है, डज की जगह क्या लग जाता है, दोस्त लग जाता है, ठीक है, ये तू जाता है, तू की अंग्रेजी हो जाएगी दाऊ, और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा दोस्त, दाऊ दोस्त, और जाना गो, दाऊ दोस्त गो, तू जाता है, तू समय पर सोता है, तू की अंग्रेजी हो जाएगी दाऊ दोस्त, सोना स्लीप एट टाइम, ठीक है। तू मुझे देखकर मुंह क्यों बनाता है, तू मुझे देखकर मुंह क्यों बनाता है, तो क्यों आया, क्योंकि अंग्रेजी वाई, हेल्पिंग वर्ब दोस्त, सब्जेक्ट कौन है, तू, यानी कि दाऊ, मुंह बनाना मेक टू फेस, मुझे देखकर टू सी मी, ठीक है, वाई दोस्त दाऊ मेक टू फेस टू सी मी, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, कि जब वाक्य के अंत में जाना शब्द आ जाए, याद रखिएगा शब्द आ जाए जाना, कौन सा शब्द आ जाए, जाना शब्द आ जाए, लेकिन जाना का अर्थ जाना में ना हो, जाना का मतलब होता चले जाना,
जाना का शब्द जाना में ना हो, मतलब कहीं जा नहीं रहा हो, ठीक है, कहीं जा नहीं रहा हो, मतलब गो उसका अर्थ ना निकले, गो ना निकले। जब जाना का अर्थ जाना में ना हो तो बाक पे से 22 में बनता है, कहे बनता है पे से 22 में। जैसे किताब पढ़ाई जाती है, तो यहां देखो जाती है जाना एक ही चीज है, जाती आ गया तो जी कहीं जा रही है कि किताब, किताब पढ़ाई जाती है, और तुमने जाती की अंग्रेजी यहां गो बना दी, तो बुक गोज टू रीड, तो जी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि जब बाक के अंत में जाना शब्द आ जाए, याद रखिए, और जाना का अर्थ जाना में ना हो तो बात पेशे बाई से बनता है, मतलब पहले कर्म लिखेंगे और कर्म के अनुसार ही एजीएमआर लिखेंगे। एक वचन में होगा तो एज, आई होगा तो एम, और बहुवचन होगा तो आर, और क्रिया की थर्ड फॉर्म, और जो बचेगा लिख देंगे, नहीं बचेगा नहीं लिखना। ऐसे वाक्यों में कर्ता नहीं होता है, अगर होता है तो वो द्वारा शब्द से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? द्वारा। समझ में आया? जैसे किताब पढ़ाई जाती है, यहां देखो किताब ही से बनाए, किताब बुक। अब जाति के लिए हम गोज नहीं लिखेंगे, इज, क्या जाति है के लिए, अब यहां क्योंकि ये क्रिया है ना, इज, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड, बुक इज रीड, किताब पढ़ाई जाती है, ठीक है। सॉरी, रीड मीन्स पढ़ना होता है, पढ़ाना टीच मीन्स होता है, तो क्या हो जाएगा? टॉट, बुक इज टॉट, बुक इज टॉट, किताब पढ़ाई जाती है। आगे देखेंगे, उसे बुलाया जाता है, उसे की अंग्रेजी ही या सी, कुछ भी लिख लो। अब जाता है के लिए इज, बुलाना कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ही इज कॉल्ड, उसे बुलाया जाता है, ही इज कॉल्ड, ठीक है। आगे जन्मदिन मनाया जाता है, जन्मदिन, तो जन्मदिन की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बर्थडे। इस ऐसे वाक्यों में कर्ता नहीं होता है। देखो यहां पर जन्मदिन कोई मना रहा है क्या? कौन मना रहा है जन्मदिन? जन्मदिन मनाया जाता है, बस मनाने वाला है ही नहीं है इसमें। ऐसे वाक्यों में कर्ता, किताब पढ़ाई जाती है, तो किताब पढ़ाने वाला है कोई नहीं है, मतलब वाक्य में तो नित्य आ रहा है। तो बर्थडे जाता है के लिए एज, मनाना सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट, बर्थडे इज सेलिब्रेटेड। ये मैंने छोटे छोटे वाक्य समझाए हैं, अगर कभी ऐसा हो कि बड़े वाक्य बनाना हो, देखो बाल दिवस प्रत्येक वर्ष भारत के प्रत्येक विद्यालय में 14 नवंबर को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो कौन मनाया जाता है? बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस डे। अब मना जाता है इज, अब मनाना सेलिब्रेटेड, यहां तक कोई दिक्कत? बाल दिवस मनाया जाता है, अब इतना बचा, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड, बाल दिवस मनाया जाता है। अब क्या बचा? बड़े धूमधाम के साथ, के साथ की अंग्रेजी विथ, बड़े की अंग्रेजी ग्रेट, और धूमधाम की अंग्रेजी बताइए, अभी एक बार पढ़ चुके हो, पॉम्पिंग सो, विथ ग्रेट पॉम्पिंग सो। अब 14 नवंबर को आगे बढ़ेंगे, 14 नवंबर को की अंग्रेजी ऑन, 14 नवंबर आगे बढ़ेंगे, प्रत्येक भारत के प्रत्येक विद्यालय में, तो कैसी बनेगी? इन एवरी स्कूल ऑफ इंडिया, इन एवरी स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या बचा? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष की अंग्रेजी एवरी ईयर, चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्पिंग शो ऑन 14 नवंबर इन एवरी स्कूल ऑफ इंडिया एवरी ईयर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? चलिएगा तो आगे देखेंगे, ठीक है।